हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देवभूमि मोटर ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज हम चल दिए थे एक छोटे से राइड पे, नैनीताल से थोड़ा सा ऊपर पंगोट वाले रास्ते पे चीना पिक पड़ता है। तो हल्द्वानी से हम निकल गए थे अराउंड 11 बजे के आसपास। 11 बजे निकले थे ना। तो साथ में हमारे साथ है मयंक, जो लास्ट टाइम मेरे इससे पहले के पहले वाले वीडियो में था। मयंक हेलो कर दो। और भाई का भी चैनल है यूट्यूब में, किस नाम से है? आवारा। फिलहाल तो हम जिस लोकेशन में अभी हैं, वो जो मेरे पीछे वाला रास्ता है वो नैनीताल को चले जाता है, और ऊपर जो ये वाला रास्ता जा रहा है, ये वाला रास्ता जो जा रहा है ऊपर को, ये जाता है टिफ़िन टॉप। तो टिफ़िन टॉप का ये वीडियो मेरे भाई के चैनल पे है, आप मैं लिंक दे दूंगा नीचे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिलहाल तो अभी हमको ये जो पीछे रास्ता जा रहा है उधर जाना है। दो लोग पहुँच चुके हैं जो भाई के दोस्त हैं, उनसे भी मिलेंगे, उनका भी इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं एन एफ के रास्ते पे। रास्ता पर जाता है, हमने यहाँ एक घंटे का ट्रैक है। तो वो अब हम करेंगे। साथ में हमारे भाई है, भाई अपना इंट्रोडक्शन दे दो। विजय गौड़ और साथ में एक और भाई है गौरव। पूरा नाम क्या आपका? गौरव लटवाल। तो दोनों मयंक के दोस्त हैं, साथ में हम ट्रैक करेंगे अभी। तो ऊपर को चलते हैं साथ में। दो से तीन किलोमीटर, साढ़े तेरह तीन किलोमीटर हम ऊपर आ गए हैं और हिम्मत नहीं हो पा रही अभी बिल्कुल भी चलने की। कोशिश तो है कि जल्दी जल्दी पहुँचें वहाँ। फिलहाल तो पहुँच गए हम चीना पिक, लेकिन अभी पूरा कोहरा हो रहा तो कुछ व्यू हमको देखने नहीं मिलेगा। पहुँच तो गए हैं। कितना टाइम लग गया होगा हमको आते आते? 40 मिनट लग गए। 3-3.5 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है, और पीछे भी आप देखोगे तो बिल्कुल कोहरा है। और तो अभी यहाँ हमको हमारे मनीष भाई मिल गए थे। तो मनीष भाई का भी यूट्यूब चैनल है, और ट्रेंडिंग में भी एक नई इनकी केदारनाथ वाली वीडियो आपकी वायरल हुई थी, तो भजा के एकदम ही सब्सक्राइबर हाई हो गए थे। और आप शायद सूरज आइकोनी को भी जानते हैं। हाँ, वो मेरा फ्रेंड। अच्छा, फ्रेंड है जी। बाकी मिलते हैं आगे, ऊपर मिलते हैं। तो फिलहाल जहाँ हम रुके थे वो हमारा लोकेशन नहीं था, थोड़ा सा 200 मीटर और आगे जाना है हमने। तो वो जो छोटा सा पॉइंट था चीना पिक, उससे आगे है। और चीना पिक उसको अभी नाम दिया है ना, पहले चीना पिक नहीं था, या पहले चीना पिक था? चीना पिक अभी भी है, नैना पिक दे दिया। तो पहले चीना पिक था वो, और अब उसको नैना पिक के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही इसके नाम चलते हैं। कीचड़ काचड़ भी बहुत हो रहा है यहाँ बारिश की वजह से। ये जो पीछे आप देख रहे हैं लेक, तो ये नैनीताल लेक है, और चीना पिक से इतना प्यारा व्यू आता है। बड़े आधे घंटे के बाद हमको ये व्यू देखने को मिला है, और हवा बहुत तेज़ है। वरना हमारा प्लान ये था कि हम एक ड्रोन शॉट भी लेंगे, लेकिन ड्रोन शॉट के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। लेकिन बस जो भी है, लोकेशन बहुत अच्छा है, और एक बार हमारा प्लान यहाँ नाइट कैंपिंग का ज़रूर बनेगा, तो नाइट कैंपिंग भी करेंगे हम यहाँ से। तो नाइट व्यू जरूर दिखाएंगे इधर का, नाइट टाइम लैप्स भी दिखाएंगे। फिलहाल तो हमने टाइम लैप्स बनाए हैं थोड़े बहुत, और वो अच्छी नहीं बनी तो एक दो टाइम लैप्स और लेंगे, लेकिन आपको टाइम लैप्स भी ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल तो हम ऊपर को चलते हैं कि यहाँ जोक भी बहुत है। नमक लेके साथ आए थे जोक भगाने के लिए। कैमरे का तो हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं।
दो घंटे हम वेट करें, दो घंटे तक कोई व्यू हमको मिला नहीं, लेकिन जैसा भी रहा एक्सपीरियंस अच्छा था। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर जिसमें पूरे व्यू दिखेगा। और फिलहाल हम यहाँ से अब मूव ऑन करते हैं नीचे को। मैं एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का? एक्सपीरियंस हाँ कैसा रहा एक्सपीरियंस? कुछ खासा नहीं। क्यों? बादल थे इसलिए? बादल थे चढ़ने के हमको डिसअपॉइंटेड करा है। डिसअपॉइंटेड करा है तो बादल ने करा है, बाकी मौसम तो यहाँ का नैनीताल का हमेशा अच्छा रहता है। बस एक मानसून में ट्रैक अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ कुछ व्यू मिलता नहीं है बादलों की वजह से। हाँ बादल आ जाते हैं बीच बीच में, और हमको सबसे ज़्यादा परेशानी आज बादलों की हुई थी, और कोई परेशानी नहीं थी। बारिश भी हमको मिली नहीं रास्ते में, दो चार बूंदें गिरी थी जिससे हेलमेट भीगा और कुछ नहीं भीगा। तो फिलहाल तो प्लान ऐसा है हमारा, नीचे के तब उतरते हैं और कहीं रुकते हैं, अगर कुछ खाते पीते हैं वापस हल्द्वानी की तरफ चलते हैं। बस नई वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। भाई कुछ कहना चाहता है? कुछ नहीं कहना चाहता, हेलमेट टांगना चाहता नहीं, कुछ कह रहे हैं। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी। सब्सक्राइब करिए चैनल को देवभूमि मोटर ब्लॉग।